नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी न्यूज चैनल में। कृषि तथा सरकारी योजनाएं और दैनिक भाव जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो आइए देखते हैं अपनी यह स्पेशल रिपोर्ट। कोरोना वायरस की वजह से लगे लॉकडाउन के समय में टमाटर की मांग कम होने के कारण बहुत से किसानों ने खेतों की जुताई कर दी थी, जिसका असर अब इसकी आवक पर पड़ा है। आजादपुर मंडी में टमाटर की आवक कम होने से पिछले 15 दिनों में थोक कीमतें दोगुनी हो गई हैं, जबकि खुदरा में टमाटर के दाम बढ़कर 55 से 60 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गए हैं। टमाटर की कीमतों में तेजी बनी हुई है। मंडी में टमाटर के एक कैरेट का भाव बढ़कर 700 से 800 रुपए एक कैरेट 25 किलो हो गया है, जबकि जून के मध्य तक इसका भाव 300 से 350 रुपए प्रति कैरे था। उपभोक्ता मामले मंत्रालय के अनुसार दिल्ली में 1 जुलाई को टमाटर के खुदरा भाव 49 रुपए, आगरा में 50 रुपए, भोपाल में 50 रुपए, रायपुर में 70 रुपए, सागर में 60 रुपए और मुंबई में 51 रुपए प्रति किलो हो गए, जबकि 15 जून को दिल्ली में टमाटर का भाव 25 रुपए, आगरा में 15 रुपए और भोपाल में 20 रुपए प्रति किलो था। मंडी में टमाटर की आवक घटकर 15 से 20 मोटरों की ही रह गई है, जबकि पहले की तुलना में मांग में सुधार आया है, इसीलिए इसकी थोक कीमतों में पिछले 15 दिनों में भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। लॉकडाउन के समय में किसान टमाटर बेच नहीं पा रहे थे, जिस कारण पड़ोसी राज्यों हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पंजाब के अधिकांश किसानों ने टमाटर के खेतों की जुताई कर दी थी, जिस कारण आवक में भारी कमी आई है। इस समय केवल हिमाचल प्रदेश से टमाटर की आवक हो रही है। पोटेटो एंड अनियन मर्चेंट एसोसिएशन के महासचिव राजेंद्र शर्मा ने बताया कि लॉकडाउन तो खुल गया है, लेकिन ग्राहक नहीं आ रहे हैं, जिस कारण आलू एवं प्याज की बिक्री सामान्य के मुकाबले केवल 50% हो रही है। उन्होंने बताया कि मंडी में बुधवार को 45 से 50 ट्रक प्याज की आवक हुई, जिनमें से बिक्री केवल 20 से 25 ट्रकों की ही हो पाए। मंडी में प्याज थोक भाव 700 से 1200 रुपए प्रति क्विंटल है। इसी तरह से आलू की आवक बुधवार को मंडी में 40 से 45 ट्रकों की हुई तथा इनमें से केवल 20 से 22 ट्रक ही बिक सके। उन्होंने बताया कि मंडी में आलू के भाव 1500 से 2200 रुपए प्रति क्विंटल रहे।